नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सब देखेंगे 30 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन GSK ने अपने संभावित COVID-19 की कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? उत्तर है आपका 20 करोड़ खुराक। अगला प्रश्न है, विश्व स्ट्रोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 29 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को किस देश से आने वाले येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है? उत्तर है चीन। माय फ्रेंड, हम आपको याद दिलाते चले कि चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रमनबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया है? उत्तर है केरल। केरल का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशु भाई पटेल का निधन हो गया है? उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? उत्तर है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।